हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका जीके जनरल नॉलेज। इसमें हम अपना लैंग्वेज, अपना लेसन, आपका यूनिट जो आपकी 4 है, इसमें हमने लास्ट टाइम अपना राइम टाइम हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने स्पेल चेक इसको रीड किया था। तो आज हम इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्पेल चेक करी थी कि कौन सी सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसमें एक स्पेलिंग क्या है, आपकी मिस्टेक है, उसे आपने करेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिले हैं। तो आपने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कौन सा जो वर्ड है इसमें मिस्टेक है उसकी स्पेलिंग, उसे फिर आपने क्या करना है, करेक्ट करना है। तो कॉपी में देखेंगे कैसे करेंगे। लेसन आपका 4 लैंग्वेज और टॉपिक आपका क्या है, इसका स्पेल चेक, यानी कि जो आपकी स्पेलिंग जो है वो उसको चेक करना है और देखना है कौन सी रॉन्ग है और उसे करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है इसमें, देखिए यहाँ पे, माय बोट इज़ एट द सी। अब यहाँ पे सी तो देखने वाला सी है, ठीक है। अब इसके लिए यानी कि मेरी बोट कहाँ पर है, सी यानी कि समुद्र में, SEAC। तो यहाँ पे हमने जो हमारी रॉन्ग स्पेलिंग होगी उसको हमने क्या करना है, इस तरीके से सर्कल करना है और उसके आगे उसकी करेक्ट स्पेलिंग को हमने लिखना है। सेकेंड है आपका, विल यू बाय मी एन आइसक्रीम। क्या तुम मेरे लिए एक आइसक्रीम खरीदोगे। तो यहाँ पे बाय यानी खरीदने वाला बाय है, BUY। तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पे क्या है करेक्ट आपकी, BUY। थर्ड है आपका, हिज हेयर इज़ डर्टी। तो हेयर की स्पेलिंग यानी कि उसके बाल गंदे हैं, तो उसकी हेयर की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है करेक्ट, HAIR। नेक्स्ट है आपका, आई डोंट नो मीता। मैं मीता को नहीं जानती हूँ। तो नो जानने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे नो आपका क्या होना चाहिए, नो की स्पेलिंग KNOW यानी कि जानना, मैं मीता को नहीं जानती हूँ। फिफ्थ है आपका, मदर मेड अ रोटी फ्रॉम, फ्लोर होना चाहिए था यहाँ पे, फ्लार नहीं, कि मेरी माँ रोटी बनाती है किससे, आटे से। तो स्पेलिंग क्या है आपकी फ्लोर की, FLOUR। नेक्स्ट है आपका, आई वॉन्ट सम वाटर। तो मुझे कुछ पानी दे दो, यहाँ पे सम, ये वाले सम की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सम वाटर, SOME। तो करेक्ट वर्ड है वो SOME। नेक्स्ट है आपका, माई आंट इज़ ओल्ड। मेरी जो आंटी है, आंट है, वो क्या है, बूढ़ी है। आंट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पे, AUNT। नेक्स्ट है आपका, विच बुक शुड आई रीड। कौन सी बुक मुझे क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो विच की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पे, WHICH। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने अपना कंप्लीट किया है कि कौन कौन से स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार ये भी देख लेते हैं, सी यहाँ पे क्या होता है आपका, देखना, ठीक है। बाय यानी कि किसी को जब जाते हैं तो हम बाय, गुड बाय करके जाते हैं। हेयर यहाँ पे क्या होता है, इसका मीनिंग रैबिट, यानी कि रैबिट को आप खरगोश कहते हैं और हेयर मीन्स भी क्या होता है आपका, खरगोश। यहाँ पे नो मतलब नहीं, ठीक है। फ्लावर मतलब आपका फूल। सम मतलब यानी कि ऐड करना किसी चीज़ को, उसका सम। आंट यहाँ पर है आपकी चीटी, और विच यहाँ पे आपकी क्या है, जादूगरनी या चुड़ैल, जादू टोने वाली, ये देखेंगे, ये है आपका। तो यहाँ पे सी का मींस है आपका देखना, बाय मींस जब आप जाते हैं, गुड बाय करके जाते हैं। यहाँ पे हेयर का मींस आपका खरगोश है, नो मींस नहीं, और फ्लावर का मतलब है आपका फूल, सम का मतलब ऐड करना, जोड़ना, आंट मतलब चीटी, एंड विच मतलब आपकी क्या होगी, जादूगरनी, ठीक है। तो यहाँ पे, और जो इनकी हमने करेक्ट स्पेलिंग की थी यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, समुद्र हो गया आपका। बाय मीन्स खरीदना, हेयर मीन्स आपके बाल, नो मीन्स जानना, फ्लोर मीन्स आपका आटा, सब मतलब कुछ, और आंट आपकी चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है, ठीक है। और विच मतलब यहाँ पे कौन सा या कौन सी चीज़। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन इसको अच्छे से करेंगे और जो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप अपना जो सेंटेंस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी स्पेलिंग को आप करेक्ट करके देखिए कहाँ कहाँ, और इसको क्या करेंगे आप, जो करेक्ट स्पेलिंग हमने की है उसको क्या करेंगे आप, लर्न करेंगे आप। सो थैंक यू क्लास।